तो पावागढ़ गई थी, पावनी लगने तो पावागढ़ गई थी, पावागढ़ मड़ी मने दर्शन दे, पावागढ़ मड़ी मने दर्शन दे, दर्शन दे, नहीं तुम्हारी पावली पाछी दे, नहीं तुम्हारी पावली पाछी दे। हे हो गया तेरा, कान में टिंडोरा लगा के क्यों खड़े हैं? देसी की देसी ही रहेगी तू, ये टिंडोरा नहीं है, ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ। और तू ये क्या पागलों की तरह नाच रही थी? तो अपनी शेरी में ना गरबा का कॉम्पिटिशन है, तो उसकी प्रैक्टिस कर रही थी। कैसा लगा आपको मेरा गरबा? ऐसा लग रहा था जैसे किसी बैल को खेत में खुला छोड़ दिया हो। आपने मुझे बैल कहा? हाँ, कभी तो मेरी तारीफ कर लीजिए। लो बोलो, पहले तारीफ करने लायक कुछ कर तो सही। क्यों, उस दिन मैंने कितना स्वादिष्ट पिज्जा बनाया था। स्वादिष्ट? बिल्कुल गोबर जैसा था। आय हाय, आपको गोबर का टेस्ट पता है? अरे अरे, कब चखने गए आप गोबर? कोई गोबर नहीं चखा मैंने। चल 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 चल, अब बहुत बकवास कर ली, जल्दी नाश्ता लगा, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। मुझे देखे जो सब भूल जाए वो, मेरा नाम यो यो, मेरा नाम यो यो। ये आ गया, न काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। क्या कर रहा है? यो मम्मी, ब्रेकफास्ट रेडी है? हाँ रेडी छे। योगेश बेटा? योगेश नहीं मॉम, खाली यो। हाँ, खाली यो बेटा। हो ओहो मम्मी, खाली यो मतलब ओनली यो, सिर्फ यो। हाँ सिर्फ यो बेटा, बस। ओहो मम्मी, आपसे बात करना मतलब टाइम वेस्ट करना है, आप कुछ समझती नहीं हो। बिल्कुल सही बोला ब्रो। हो गया तेरा, चल अभी आके खाना खा ले। मम्मी सीधी नहीं हो रही। कितनी बार बोला इस लड़के को, अपनी गर्दन को ऐसे टेढ़ी मेढ़ी मत किया कर, अटक गई ना। ओ कई करो तुम हमें। तू रुक रुक रुक, मैं करता हूँ। ये इसकी गर्दन को तो वनिता बाऊ, ए वनिता। ओ माँ जी, धीरे धीरे, मैं बेरी नहीं हूँ। तू मेरी नहीं है लेकिन मुझे गूंगी करके छोड़ेगी। अरे ये क्या कह रही हो बाप, वनिता ने क्या किया? अरे मुझ पे कितने अत्याचार करती है ना, पता नहीं है तुझे। ये देख ये देख, ये फोन में देख, अरे कितनी अच्छी अच्छी जूस और लस्सी बनाने की रीत बताई है इसकी। मैंने इसको बोला कि दही की मस्त केसर मलाई वाली लस्सी बना, बनना वाइन। ये देख करेले का जूस बना के दिया, अब ऐसे कड़वे कड़वे जूस पीऊंगी तो मेरी तो बोलती बंद हो जाएगी ना। माँ जी मैंने कोई अत्याचार नहीं किया आपको, पता है आपको, आपको डायबिटीज है ना, इसलिए डॉक्टर ने ये सब खिलाने पिलाने को बोला है। ए झूठी, मेरा डायबिटीज का रिपोर्ट ना पिछले हफ्ते नॉर्मल आ गया था, इससे ना मजा आता है जो परेशान कर रही है। अच्छा, वैसे आप भी कोई मौका नहीं छोड़ती मुझे सुनाने का, समझी ना। ए, बाद में कर लेना ठीक है, मुझे लेट हो रहा है, अभी नाश्ते में कितनी देर है ये बताओ। ये बापूजी आए तब ना, पता नहीं कहाँ रह गए, श्याम जी काका को लेने गए थे अब तक नहीं आए। अरे बैठ गए होंगे किसी के घर टीवी देखने, और क्या। अरे कहाँ है रिमोट, कहाँ है? बापूजी 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 बापूजी, मेरा लैपटॉप गिरते गिरते रह गया। बापूजी गिरा तो नहीं ना? आप कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करते। बात करने का टाइम है तेरे पास? अरे अब बाप बेटे अपनी गप करनी बंद करो। और आप श्याम जी भाई को लेने गए थे ना, कहाँ है? हाँ भाई मेरे साथ ही आए हैं, बाहर वो गरीब बच्चों को खाना खिला रहे हैं, आते ही होंगे। अरे वाह, श्याम जी काका तो एकदम भगवान के मानस है। हाँ? ये लो आ गए, आओ आओ। जय स्वामी नारायण श्याम जी काका। जय स्वामी नारायण। जय स्वामी नारायण शोभना भाई। जय स्वामी नारायण मंदिर। क्रीश योगेश बेटा पैर पकड़। अरे नहीं नहीं, श्याम जी काका के पैर छुओ। आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? जी बिल्कुल नहीं दिख रहा। सरस, तो श्याम जी काका अब आप जल्दी से क्रैश हो जाइए। मम्मी क्रैश नहीं, फ्रेश फ्रेश।
हाँ, फ्रेश। वो क्या है ना श्याम जी काका, ये जीभ को हड़का नहीं होता ना तो ऐसे ही फिसल जाती है। मम्मी आपको इंग्लिश आती नहीं है तो बोलती क्यों हो? कितनी बार बोला तुझे सिखाने को, सिखाता है तो मुझे? मम्मी ये इंग्लिश सीखना आपके बस की बात नहीं है और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। चिंता मत करो वनिता दिकरी, धीरे धीरे सीख जाओगी। हमारे चटपटिया परिवार के चटपटे सदस्यों को, ये परिवार जितना चटपटा है उतना अटपटा भी है, है? कैसे वो भी पता चल जाएगा, बस आप देखते रहिए। अरे भाई नाश्ता लग गया है, चलो सब लोग आ जाओ। परेश बेटा। हाँ महेश भाई, बोलो बोलो। हाँ दे दीजिए उस भाव में। आप ही तो हाँ अंदर नहीं। हाँ अरे भाई उधर से, उधर मार। अरे आ रहा है, आ रहा है। एक और। हाँ मणि, क्या देख ली तूने? अरे मैंने अभी तक नहीं देखी, आज देख लूंगी। क्या मस्त वीडियो बना, एकदम टन टनाटन। हाँ मिलते हैं शाम को, शाम को पक्का। ये रेसिपी तो एकदम मजेदार है, मैं इसे जरूर खाऊंगी। सुनिए वो मेरे फई के लड़की की शादी है, पता है ना आपको, हम सबको जाना है। नहीं मैं नहीं आ सकता, तुझे पता है ना मुझे धंधे के काम के लिए बाहर जाना है। जब भी कहीं जाने की बात करती हूँ यही बहाना बनाते हो आप, आपको मेरे साथ कहीं आना ही नहीं होता। ये बहाना नहीं है समझी, काम है, काम करना पड़ता है। काम करता हूँ ना तभी घर चलता है, धंधा लेके बैठा हूँ ऐसा छोड़ नहीं सकता मैं। और हाँ सुन, आज रात को हमारे भागीदारों की फैमिली फंक्शन है जिसमें सब पति पत्नी आ रहे हैं, तुम्हें भी मेरे साथ चलना है। मुझे ऐसे फंक्शन पसंद नहीं है, मैं नहीं आने वाली आपके साथ। पता था तुम्हारा यही जवाब होगा। तभी तो बोलो कि मैं आ रही हूँ। क्यों आप मेरे काम के लिए मेरे साथ आते हो कि मैं आपके साथ आऊँ? मतलब क्या तुम मेहनत? हाँ तो मेहनत कर रहा हूँ ना, सोशल मीडिया पे अपने खुद के गाने, अपना म्यूजिक बना रहा हूँ ना, लेकिन आपको तो बस चिल्लाना ही आता है। क्या तू क्या गवैया बनेगा? कितनी बार बोला कि मुझे ये तेरे म्यूजिक में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। इन फालतू की चीजों में अपना टाइम और मेरे पैसे बर्बाद मत कर। आपके लिए फालतू होगा पर ये मेरा पैशन है, और मैंने भी आपको हजार बार बोला है कि नहीं करनी मुझे पढ़ाई, मुझे म्यूजिक और सिंगिंग में आगे बढ़ना है। आपके दिमाग में ये बात क्यों नहीं घुसती? योगेश बेटा ऐसे बात नहीं करते, पापा है तुम्हारे, ये चाहते ही नहीं है कि मैं लाइफ में आगे बढ़ूं। तुझे आगे बढ़ाने के लिए तो अच्छे कॉलेज। श्याम जी मैं तो इस घर का बड़ा हूँ, मुझे भी कुछ पता नहीं होता कि घर में और धंधे में क्या चल रहा है। बस मेरी कीमत इस पुराने फर्नीचर जितनी है इस घर में। बापू जी आप तो बस हर वक्त मेरी बुराई ही करेंगे, हमेशा बस सबको सलाह देते रहते हैं, टोकते रहते हैं, कभी कहते हैं खाना अच्छा नहीं बना, कभी कहते हैं कोई टीवी देखने नहीं देता, हमारी गलती ही दिखाई देती है आपको। मुझे तेरे मुंह नहीं लगना। कहाँ जा रहे हो मनसुख? मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। शांत हो जाओ परेश बेटा, शांत हो जाओ। इस घर में कोई शांत नहीं रहता काका, बड़े तो बड़े बच्चे भी अब सामने बोलने लगे हैं। हाँ पैदा कर दिया और बड़ा कर दिया ताकि अपना हुकुम चला सके हम पे। कहाँ जा रहा है योगेश बेटा, रुक। मुझे भी नहीं खाना ऐसा रूखा सूखा खाना, जा दे। ये इस घर का रोज का नाटक है, कोई नहीं सुधरेगा। छोटी मोटी बहस तो इस घर में हुआ ही करती थी पर इस बार मामला थोड़ा गंभीर। थोड़ा नहीं बहुत गंभीर है चंदू, इस घर में कोई भी किसी से प्यार से बात ही नहीं कर रहा है, सबके बीच अंतर और मनमुटाव बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन नहीं अब मैं इसे और नहीं बढ़ने दूँ, और इसके लिए तुझे मेरी मदद करनी है। बोलो ना काका क्या करना होगा। मेरा लैपटॉप मिल नहीं रहा है, किसी ने देखा क्या? मम्मी मेरा फोन नहीं मिल रहा, ये टेबल पर ही रखा था। अरे मेरा डबला भी नहीं मिल रहा है कब से। अरे मेरा आईपैड भी गायब है। क्या
ये घर में कोई चोर तो नहीं घुस गया ना? नहीं नहीं, कोई चोर नहीं घुसा। मैंने चंदू से कहकर आप सबके लाडलों को छिपा दिया है। मगर क्यों काका? देखो आज संडे है, सबको छुट्टी है, तो क्यों ना थोड़ा फैमिली टाइम हो जाए। और ये फैमिली टाइम में हम करेंगे क्या? चलो मैं आप सबको एक गेम खिलाता हूँ। मैं परिवार के किसी एक सदस्य को दूसरे सदस्य के बारे में कुछ प्रश्न पूछूंगा। एक दूसरे की पसंद नापसंद, कुछ ऐसी बातें जो कभी एक दूसरे के सामने न आई हो। देखते हैं कौन जीतता है और कौन हारता है। मैं तैयार हूँ काका। और मैं भी। तो परेश पहला सवाल तुझसे, ये बता सबसे ज्यादा तू कब हंसा था? काका काका वो सीन याद मत दिलाइए। कौन सा सीन पप्पा, बताइए ना पप्पा, हमें भी सुनना है। देखिए मत बताइए। हाँ हुआ कुछ ऐसा कि जब शादी करके ये नई नई घर में आई तब हम गांव में रहते थे, और एक दिन मैं इसे नजदीकी शहर के एक बड़े से रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले गया, और खाना खाने के बाद मैं फोन करने बाहर गया और वेटर फिंगर बॉल ले गया, वो जिसमें खाना खाने के बाद हाथ धोए जाते हैं। तो उसका क्या हुआ? तो मैं जब वापस आया ये महारानी उस गर्म पानी में नींबू निचोड़ के पी रही है। अरे अब मुझे लगा कि खाना भारी हो गया है तो गैस ना हो जाए इसके लिए नींबू पानी देते होंगे पीने के लिए, इसीलिए मैं तो गटक गई मम्मी जी। वनिता बेटी कितनी गवार थी। नहीं गवार नहीं, वनिता भूली थी। लेकिन इसे गवार भी तो कहा जा सकता है ना? अरे नहीं काका, इसे गवार थोड़ी ना कहा जाता है, ये भूली ही थी। तो अब गवार कैसे हो गए? अच्छा चलिए बता, उसके बाद जब रेस्टोरेंट में जाते थे तो तब भी वैसा ही करती थी, नींबू निचोड़ के पी जाती थी? अरे नहीं नहीं, फिर तो मैंने उसे सिखा दिया था ना, समझा दिया था, फिर तो एकदम रेडी हो गई थी। हाँ मतलब अगर वनिता को कुछ सिखा दिया जाए समझाया जाए तो सीख लेती है। सुना बच्चों, अगर वनिता को इंग्लिश सिखा दिया जाए तो वो भी सीख लेगी, गवार नहीं रहेगी। अब आप दोनों के लिए कॉमन सवाल, आप दोनों के जीवन का सबसे खूबसूरत दिन कौन सा? मैं बताती हूँ, ये योगेश पैदा हुआ ना, उस दिन से मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। हाँ काका, मैं एक पत्नी बेटी बहू से माँ बनी। अरे ये तो पागल ही हो गए थे। आप जानते हैं उस वक्त ना हमारी परिस्थिति एकदम साधारण थी, लेकिन फिर भी हाँ इन्होंने पूरे गांव में खोबले खोबले खजूर की लाड़ी की थी। अने और ये हमारा क्रिस जब पैदा हुआ ना तो पूरे गांव में इन्होंने पेड़े बांटे थे। नहीं दोनों बच्चे इनको अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। हो काका, उस वक्त ना काका हमारे गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं था, तो योगेश को साइकिल पे बिठा के 20 किलोमीटर दूर के गांव में छोड़ने और लेने जाते थे ये। अरे एक बार तो परेश को 105 डिग्री बुखार था, फिर भी उसने आराम नहीं किया और खुद पूरा साल 3 कपड़े में निकाल देता। पर बच्चों के लिए हर त्योहार पर नए कपड़े, नए जूते, नए खिलौने, बच्चों को कभी कोई कमी नहीं महसूस होने दी उसने। योगेश कृष, देखा तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे कितना प्यार करते हैं। हकीकत तो ये है कि ये संस्कार मुझे बापूजी से मिले हैं, उन्होंने भी मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाया और हमेशा सिखाया कि माँ बाप की सबसे कीमती पूंजी उनके बच्चे होते हैं। उन्होंने अपने बचत के सारे पैसे मुझे दे दिए, और जब मैंने वो पैसा शेयर मार्केट में लगाया तो मुझसे कोई सवाल नहीं किया कि तू पैसों का क्या कर रहा है, उन्हें मुझ पे पूरा भरोसा था। वो भरोसा आज भी है परेश, आज भी वो तेरे साथ ही खड़े हैं, बस हम भूल जाते हैं कि हमारे चाहने वाले, हमारे अपने लोग हमारे पास ही हैं। हम भूल जाते हैं उन्हें टाइम देना, उनके साथ बैठना, उनसे अपनी बातें शेयर करना, उनकी बातें सुनना। परेश बेटा पता है वनिता उनकी गंवार दोस्तों के पास क्यों जाती है?
क्योंकि घर में उसके साथ कोई बात करने वाला नहीं है। वो पुराने विचार वाली है, लेकिन उसे नए जमाने की बनना है, पर कोई बनाने वाला ही नहीं। इसीलिए वो अपनी दोस्त मणि और सरोज के पास जाती है, उनसे आज के जमाने के तौर तरीके सीखने। शुभना बहन, उम्र के मुताबिक हम सबको जीभ के चटकारों को भी काबू में रखना चाहिए। आपका डायबिटीज नॉर्मल हुआ उसका कारण वनीता है, उससे आपकी फिक्र है, इसीलिए वो आपको सब चीजें खाने पीने नहीं देती। आपका डायबिटीज नॉर्मल हुआ है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल अभी भी है। वनिता ने यह बात आपको नहीं बताई ताकि आप बेकार का टेंशन न लो। शुभना बहन, एक बात कहूं, वनिता जैसी बहू तो भाग्यशाली सास को ही मिलती है। योगेश बेटा, कृष बेटा, आप लोगों को फरियाद है ना कि मम्मी भी मोबाइल में घुसी रहती है, उसमें वो इंग्लिश सिखाने वाले वीडियोस देखती रहती है ताकि वो भी इंग्लिश बोल सके और उनके बच्चे उनसे ठीक से बात करें, उनके बच्चे उनके नजदीक आए। योगेश बेटा, म्यूजिक का पैशन होना एक बात है और उसे अपना प्रोफेशन बनाना दूसरी बात। तेरे पापा भी चाहते कि तुम अपनी पसंद का ही करियर चुनो, उसी में आगे बढ़ो, लेकिन आज के इस स्पर्धात्मक युग में तेरे जैसे कितने बच्चे होंगे जो म्यूजिक में अपना करियर बनाना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि सब सफल हो, इसलिए प्लान बी होना भी जरूरी है। हर पिता सबसे पहले अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचता है, और तेरे पापा भी उन्हीं में से एक है जो अपने बच्चों को प्यार तो बहुत करते हैं, बस दिखा नहीं जाते। और परेश, बिजनेस के पीछे इतना भी मत भाग कि परिवार को समय ना दे सके। तेरे धंधे में बहुत टेंशन है और उसी टेंशन की वजह से तू घर में सब पे चिल्लाता रहता है, लेकिन तुझे ये भूलना नहीं चाहिए कि ये लोग तेरे क्लाइंट नहीं है, तेरे अपने हैं। और सिर्फ स्कूल की फीस भर देने से बच्चों के प्रति जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती, बच्चों के साथ भी थोड़ा टाइम बिताना चाहिए। और रही बात तेरे बाबूजी के डिमांडिंग स्वभाव की, बेटा उम्र के हिसाब से बुजुर्गों के स्वभाव भी बदलते हैं ना, उनके स्वभाव के साथ आज की पीढ़ी को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। आप लोग जब छोटे थे तब उन्होंने भी एडजस्ट किया था ना, अब आपकी बारी है उनके साथ एडजस्ट होने की। और वनिता दिक्री, माना कि तुझे फंक्शन में जाना पसंद नहीं है, पर पति के साथ अगर उसके काम के लिए जाना पड़े तो जाना चाहिए। जब पार्टी में सभी पति अपनी पत्नियों के साथ आते हैं और परेश अकेला होता है तो सोचा है उसके दिल पे क्या बीतती होगी। बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए। वनिता वो मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे गलत समझा। धन्यवाद श्याम जी, आज तेरी वजह से हमारे बीच की दूरियां कम हो गई। आज तेरी वजह से हम एक दूसरे को और एक दूसरे के प्यार को समझ पाए। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरा नहीं मनसुख, अगर तुझे धन्यवाद करना है तो प्रमुख स्वामी महाराज का। ये सब उन्होंने सिखाया है। वो हमेशा कहा करते थे कि घर में एकता बनाए रखने के लिए एक दूसरे को समझना चाहिए, बड़ा मन रख के एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए। लेकिन समस्या यह है कि हम लोग एक दूसरे को समझने का कभी प्रयास ही नहीं करते, बस अपने अपने मोबाइल में या कामों में हम इतने बिजी हो गए हैं कि हमारे बीच बातें ही नहीं होती। ये जो बातें हैं यही परिवार का हृदय है। यदि हृदय टूट जाएगा तो परिवार तो टूटेगा ही ना। और हाँ, हम इंसान हैं, कभी किसी से गलती हो भी सकती है, तो बड़ा दिल रख के उसे माफ कर लो, माफी मांग लो। आखिर ये हमारे अपने ही तो है, और ये सब हम कर सके उसके लिए प्रमुख स्वामी महाराज ने एक अद्भुत उपाय दिया है, घर सभा। घर सभा? घर सभा में ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस परिवार के सभी सदस्यों को रोज 15-20 मिनट के लिए एक साथ बैठना है। पहले 5-7 मिनट कुछ आध्यात्मिक वाचन या चर्चा करनी है, और फिर किसी भी विषय को लेकर परिवार के सभी सदस्यों को आपस में बात करनी। बात करने से ही तो बात बनती है। मैं समझ गया श्याम जी दादा, जिस तरह
हम अपने इस मोबाइल लैपटॉप आईपैड को अपडेट करते रहते हैं, उसी तरह अपने मन और रिलेशंस को भी अपडेट करते रहना चाहिए। अरे वाह, ये घर सभा तो घर की शोभा है नहीं? हाँ, इसी घर सभा से कई टूटे हुए परिवारों को मैंने फिर से जुड़ते हुए देखा है। तो आज से हम भी हर रोज घर सभा करेंगे। वाह काका, आपका प्लान सुपर हिट हो गया। अरे कृष बेटा, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है, ले सबकी सेल्फी ले ले। Yo! Yo!